नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त अजय ठाकुर, नेशनल प्लेयर एथलीट एंड एनआईएस कोच। तो आज मैं आपको बिहार दरोगा फिजिकल टेस्ट के डे टू का अपडेट देना चाहता हूँ, जिसमें कि काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया था कल की वीडियो में कि जो कल ट्रायल हुए थे उनकी टाइमिंग, जैसे एक्चुअली टाइम पे सब लोग एंट्री कर रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत लेट कर रहे थे। बल्कि जैसे मान लो कि इसका 7 बजे है तो 7 और 8 वाले का तो उनको सेम टाइम पर उन्होंने एंट्री कर दी थी, बट बाद वालों का जैसे किसी का 10 बजे है तो उसको 10:30 पौने 11 बजे तक हम ये एंट्री दे रहे थे। बट आज क्या है, कल ज़्यादातर जो बच्चे रनिंग करने में फेल हुए थे उनके पैर बहुत ज़्यादा चले थे, ग्राउंड का भी था, लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, ग्राउंड गर्म था तो बहुत ज़्यादा बच्चे जख्मी हुए थे। तो उसी चीज़ को देख के इन्होंने आज थोड़ा टाइम में शेड्यूल में चेंज किया है। ये 6 बजे एंट्री स्टार्ट कर देते हैं, आज किया था इन्होंने सेकंड डे पे 6 बजे एंट्री इन्होंने स्टार्ट की है। और उसके बाद इन्होंने पहले वाले जैसे मान लो किसी का 7 बजे वाला बैच उसमें 6 बजे एंट्री करा दी, मतलब 1 घंटा पहले हर टाइमिंग वाले की एंट्री करा देते हैं। 7 बजे की 6 वाले, 8 की 7, 9 की 8, 10 की 9, इस तरह से इन्होंने 1 घंटा पहले टाइमिंग में चेंज कर दिया है। तो आप लोग जब भी अपना फिजिकल देने जा रहे हैं, आपका जब भी फिजिकल है तो 1 घंटा पहले आप पहुंचिए ग्राउंड पर, ताकि आप लेट ना हो। वैसे एंट्री तो चलती रहती है, अनाउंसमेंट होती रहती है बार बार, पर फिर भी मैं यही चाहूंगा कि आप लोग लेट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने अटैम्प्ट देने ग्राउंड पर पहुंचे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरा क्या है कि जैसे कि जिसकी भी टाइमिंग 7 बजे है, जो पहले वाला बैच जा रहा है, वो हर बैच कम से कम सब कुछ कंप्लीट करने के बाद पास आउट गेट पास लेके कम से कम 3 से 3.5 घंटे आपको अंदर रहना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग आप आते हो बाहर। और जो जो भी किसी भी इवेंट में अगर वो मिस होते हैं तो उन लोगों को पीछे से गेट से निकाल दिया जाता है तुरंत ही, ज़्यादा देर उनको रोका नहीं जाता है। पर जिनका सब इवेंट क्लियर होता चला जा रहा है उनको कम से कम 3 से 4 घंटे अंदर रुकना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से अगर आप लोग अपना कुछ खाने पीने के लिए, मतलब नॉर्मल लिक्विड ही लेके जा सकते हैं, कोई पाउडर वगैरह खाने के लिए तो लेके जाना अलाउड नहीं है, खाना लेके जाना अलाउड नहीं है, बॉटल लेके जाना अलाउड नहीं है, वॉच लेके जाना अलाउड नहीं है। आप लोगों को सिर्फ परमिशन है एक आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड लेके जाने की, और किसी भी चीज़ की आपको एंट्री अलाउड नहीं है किसी भी चीज़ के साथ। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ भी सामान अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूर से आते हैं फिजिकल के लिए तो ज़्यादा कुछ भी आप लोग कैरी ना करें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और जितना हो सके आप अपने आप को इलेक्ट्रोलाइट्स अपनी बॉडी में इंटेक करिए, ताकि मतलब बॉडी आपकी डिहाइड्रेट ना हो। बहुत अच्छे अच्छे रनर्स भी रनिंग से आउट हो रहे हैं, टेम्परेचर इतना हाई है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स इसका गलत आ रहा है इस बार, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चे रोते हुए दिख रहे हैं हमको, बच्चे इस तरह हो रहा है। तो बस आप अपने आप को और जितना हो सके शूज़ में ट्राई कीजिए, और अगर शूज़ में नहीं होता है तो मैं आप लोगों को एक टिप्स देता हूँ, उसको डायनाप्लास्टर बोलते हैं, जैसे गर्म पट्टी होती है उसी तरह की वो भी होती है पट्टी, बट उसमें क्या है पीछे कुछ गम लगी रहती है तो वो चिपक जाता है स्किन पे। तो उसको अगर आप जैसे टेपिंग कर रहे हो उसको उसी तरह आपको टेपिंग करना है डायनाप्लास्टर को, मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, उसका पूरा रोल मिलता है, ऐसी कोई 500-600 रुपए का उसका रोल मिलता है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप नंगे पैर शूज़ में रनिंग करना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, अगर आपको लगता है कि नंगे पैर ही करना है, अगर नंगे पैर करना है तो आप डायनाप्लास्टर लगा के करिए, क्योंकि टेप का भी हमें रिजल्ट ये मिला है कि रिजल्ट टेप बिल्कुल इतना ग्राउंड इतना गर्म है कि वो टेप पूरी फट जाती है, क्योंकि कई सारे स्टेप्स आपके ग्राउंड पर रहते हैं, आप ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, रनिंग है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ग्राउंड बहुत ज़्यादा हीट है, तो उससे क्या आप लोगों के उसमें टेप पूरी फट जाती है। बट डायनाप्लास्टर क्या पूरी गर्म पट्टी की तरह होता है, वो फटेगा नहीं, वो चिपक जाता है स्किन पे लेयर, एक लेयर की तरह चिपक जाता है वो, तो छूटेगा आपके छुटाने से भी बहुत मुश्किल से छूटेगा, पर जब आपका कंप्लीट हो जाए उसको आप गर्म पानी से छुटा सकते हैं, गर्म पानी से छुटाएंगे तो उसकी गम जो है वो लूज हो जाती है और वो आपका हाथ से मतलब पैर से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त अजय ठाकुर, नेशनल प्लेयर एथलीट एंड एनआईएस कोच। तो आज मैं आपको बिहार दरोगा फिजिकल टेस्ट के डे टू का अपडेट देना चाहता हूँ, जिसमें कि काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया था कल की वीडियो में कि जो कल ट्रायल हुए थे उनकी टाइमिंग, जैसे एक्चुअली टाइम पे सब लोग एंट्री कर रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत लेट कर रहे थे। बल्कि जैसे मान लो कि इसका 7 बजे है तो 7 और 8 वाले का तो उनको सेम टाइम पर उन्होंने एंट्री कर दी थी, बट बाद वालों का जैसे किसी का 10 बजे है तो उसको 10:30 पौने 11 बजे तक हम ये एंट्री दे रहे थे।
बट आज क्या है, कल ज्यादातर जो बच्चे रनिंग करने में फेल हुए थे उनके पैर बहुत ज्यादा जले थे, ग्राउंड का भी था, लेट बहुत ज्यादा हो गया था, ग्राउंड गर्म था तो बहुत ज्यादा बच्चों जख्मी हुए थे, तो उसी चीज को देख के इन्होंने आज थोड़ा टाइम में शेड्यूल में चेंज किया है। ये 6 बजे एंट्री स्टार्ट कर देते हैं, आज किया था इन्होंने सेकेंड डे पे 6 बजे एंट्री इन्होंने स्टार्ट की है, और उसके बाद इन्होंने पहले वाले जैसे मान लो किसी का 7 बजे वाला बैच है उसमें 6 बजे एंट्री करा दी, मतलब 1 घंटा पहले हर टाइमिंग वाले की एंट्री करा देते हैं, 7 बजे की 6 वाले, 8 की 7, 9 की 8, 10 की 9, इस तरह से इन्होंने 1 घंटा पहले टाइमिंग में चेंज कर दिया है। तो आप लोग जब भी अपना फिजिकल देने जा रहे हैं, आपका जब भी फिजिकल है तो 1 घंटा पहले आप पहुंचिए ग्राउंड पर ताकि आप लेट ना हो। वैसे एंट्री तो चलती रहती है, अनाउंसमेंट होती रहती है बार बार, पर फिर भी मैं यही चाहूंगा कि आप लोग लेट ना हो और ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने टाइम देने ग्राउंड पर पहुंचे, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई, और दूसरा क्या है कि जैसे कि जिसकी भी टाइमिंग 7 बजे है, जो पहले वाला बैच जा रहा है वो हर बैच कम से कम सब कुछ कंप्लीट करने के बाद पास आउट गेट पास लेके कम से कम 3 से 3.5 घंटे आपको अंदर रहना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग आप आते हो बाहर। और जो जो भी किसी भी इवेंट में अगर वो मिस होते हैं तो उन लोगों को पीछे से गेट से निकाल दिया जाता है तुरंत ही, ज़्यादा देर उनको रोका नहीं जाता है। पर जिनका सब इवेंट क्लियर होता चला जा रहा है उनको कम से कम 3 से 4 घंटे अंदर रुकना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से अगर आप लोग अपना कुछ खाने पीने के लिए, मतलब नॉर्मल लिक्विड ही लेके जा सकते हैं, कोई पाउडर वगैरह खाने के लिए तो लेके जाना अलाउड नहीं है, खाना लेके जाना अलाउड नहीं है, बॉटल लेके जाना अलाउड नहीं है, वॉच लेके जाना अलाउड नहीं है। आप लोगों को सिर्फ परमिशन है एक आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड लेके जाने की, और किसी भी चीज़ की आपको एंट्री अलाउड नहीं है किसी भी चीज़ के साथ। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ भी सामान अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूर से आते हैं फिजिकल के लिए तो ज़्यादा कुछ भी आप लोग कैरी ना करें तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, और जितना हो सके आप अपने आप को इलेक्ट्रोलाइट्स अपनी बॉडी में इंटेक करिए ताकि मतलब बॉडी आपकी डिहाइड्रेट ना हो। बहुत अच्छे अच्छे रनर्स भी रनिंग से आउट हो रहे हैं, टेम्परेचर इतना हाई है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स इसका गलत आ रहा है, इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चे रोते हुए दिख रहे हैं हमको, बच्चे इस तरह हो रहा है। तो बस आप अपने आप को और जितना हो सके शूज़ में ट्राई कीजिए, और अगर शूज़ में नहीं होता है तो मैं आप लोगों को एक टिप्स देता हूँ, उसको डायनाप्लास्टर बोलते हैं, जैसे गर्म पट्टी होती है उसी तरह की वो भी होती है पट्टी, बट उसमें क्या है पीछे कुछ गम लगी रहती है तो वो चिपक जाता है स्किन पे, तो उसको अगर आप जैसे टेपिंग कर रहे हो उसको उसी तरह आपको टेपिंग करना है डायनाप्लास्टर को, मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, उसका पूरा रोल मिलता है, ऐसे कोई 500-600 रुपये का उसका रोल मिलता है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप नंगे पैर शूज़ में रनिंग करना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, अगर आपको लगता है कि नंगे पैर ही करना है, अगर नंगे पैर करना है तो आप डायनाप्लास्टर लगा के करिए, क्योंकि टेप का भी हमें रिजल्ट ये मिला है कि रिजल्ट टेप बिल्कुल इतना ग्राउंड इतना गर्म है कि वो टेप पूरी फट जाती है, क्योंकि कई सारे स्टेप्स आपके ग्राउंड पर रहते हैं, आप ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, रनिंग है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ग्राउंड बहुत ज़्यादा हीट है, तो उससे क्या आप लोगों के उसमें टेप पूरी फट जाती है, बट डायनाप्लास्टर क्या पूरी गर्म पट्टी की तरह होता है, वो फटेगा नहीं, वो चिपक जाता है स्किन पे लेयर, एक लेयर की तरह चिपक जाता है वो, तो छूटेगा आपके छुटाने से भी बहुत मुश्किल से छूटेगा, बट जब आपको कंप्लीट हो जाए उसको आप गर्म पानी से छुटा सकते हैं, गर्म पानी से छुटाएंगे तो उसकी गम जो है वो लूज हो जाती है और वो आपका हाथ से मतलब पैर से।